मंत्री सामने देखे बोलो सामने योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के विषय का चर्चा हुई है, उनकी समीक्षा हुई है और काफी विस्तृत रूप से समीक्षा हुई है एक एक विभाग की। उसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक सर, हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख सर, सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि चाहे उपस्थित रहे। कुछ चीजों में कुछ कमियां थी, उसमें निर्देश दिया गया है, उन लक्ष्यों में पूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं और ज्यादातर मामले ऐसे आए जो बहुत संतोषजनक पाए गए और कुछ में तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के भी मामले आए थे। और खासकर पुलिस विभाग का काफी अच्छी परफॉर्म हमारे जिले ने किया है, हमारे दो दो सर्किल टॉप 10 में प्रदेश में आए हैं। तो इस तरह से तमाम विभागों में जहाँ जहाँ कुछ कमियां थी जिनको दूर किया जाने की आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ निर्देश उसमें निर्देश दिए गए हैं, हम समझते हैं कि हमारा जिला सारे एक टीम भावना के साथ काम करते हुए और बेहतरी की ओर जिले को उपलब्धियां देने का काम करेगा। और विशेष रूप से जो पात्र व्यक्ति है जिस जनकल्याणकारी योजना जो भारत सरकार और राज्य सरकार की चल रही है, उन दोनों में जो जो हमारे पात्रता के अंतर्गत व्यक्ति है उनको उन योजनाओं का लाभ पारदर्शिता ईमानदारी से पहुंचे, ये निर्देश दिए गए। और ये भी प्रयास कराया कि स्वीकृत परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ और समयबद्धता के साथ ग्राहक तक पहुंचाने का काम हो। चूंकि इस साल लोकसभा के चुनाव भी अगले 2024 में प्रस्तावित है, तो 2024 के चुनाव के दृष्टिगत ये प्रयास होगा कि समय से पूर्व सारे बजट, जो भी बजट प्रावधान जो योजनाओं के लिए शासन से स्वीकृत है, वो सब समय खर्च करने का भी काम संबंधित विभाग करेंगे।